पूर्वांचल के माफिया मुख्तार से जेल में उसके दोनों बेटों ने मुलाकात की। आरोप लगाया कि पिता की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है जिसकी सही से प्रशासन उपचार नहीं करा रहा है। उन्होंने सप्ताह भर पहले ही हाईकोर्ट में इन बातों को लेकर अपील की है। गुरुवार को मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने मुलाकात करने के बाद बताया कि पिता को शारीरिक परेशानी हो रही है। उनके पिता के कहने के बाद भी उनका उपचार सही से नहीं कराया जा रहा है। जेल प्रशासन की पत्र लिखने पर दो दिन पहले ही जिला अस्पताल के सामान्य चिकित्सकों से परीक्षण कराया गया है, लेकिन उन्हें सही उपचार नहीं दिया गया है। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास ने यह भी कहा कि 3-4 सप्ताह की और बात है, इसके बाद आचार संहिता लागू होने वाली है, जिसके बाद शासन के निर्देश पर इस तरह से परेशान किया जाना बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी पंजाब की बांदा जेल में बंद थे, लेकिन योगी सरकार ने अपने बलबूते पर और सुप्रीम कोर्ट में दलीलों को पेश करते हुए मुख्तार अंसारी को यूपी लाने की इजाजत मांगी थी। इसके बाद से हाल ही में कुछ महीने पहले मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से में ट्रांसफर किया गया। पंजाब की रोपड़ जेल से सीधे बांदा जेल लाया गया था। मुख्तार अंसारी समय समय पर अपनी तबीयत खराब और सेहत का हवाला देकर के कोर्ट से कई बार अपने लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की अपील कर चुके हैं, लेकिन परिवार का आरोप है कि राज्य सरकार अब तक उन तमाम चीजों को मुहैया नहीं करा पाई है।